क्योंकि आरबीआई एग्जाम बहुत पास आ रहा है एंड डिस्क्रिप्टिव का फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव का बहुत ज्यादा पोर्शन है आरबीआई एग्जाम में स्पेशली इन फेज टू बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि फाइनेंस में से है एंड ऑल्सो फाइनेंस करंट अफेयर में से भी आ सकते हैं सो गोइंग फॉरवर्ड विद विदिन पिकअप वन क्वेश्चन पर वीक फॉर आंसर राइटिंग जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक टॉपिक पे आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं इससे दो बेनिफिट्स होंगे सबसे पहले यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा वो एंड सेकेंडली इफ एंड क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट और इवन फ्रॉम एनी अदर कॉन्सेप्ट तो आपको पता लगेगा कि आंसर कैसे लिखने हैं हाउ शुड दी इंट्रोडक्शन बी फ्रेम देन बॉडी देन कंक्लूजन कैसे पूरा आंसर फ्रेम करना है वो हम समझेंगे वनस वीक विल पिकअप वन क्वेश्चन ओके okay, क्योंकि आरबीआई एग्जाम बहुत पास है एंड ऑल्सो विल टेक अप रिवीजन क्वेश्चंस फ्रॉम नाउ ऑन हर वीडियो के एंड में विल बी डूइंग रिवीजन क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस और यू नो एनी अदर प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा है चाहे वो स्टैटिक का हो चाहे वो करंट अफेयर्स का हो जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी रिविजन कैसी चल रही है ओके सो द फर्स्ट टॉपिक टू इज अबाउट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड उससे पहले हम देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है आई होप सबको पता ही होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है सो द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग

पी एस एल क्या होता है PSL categories में कौन-कौन से sectors आते हैं? देख लेते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या है क्योंकि एग्रीकल्चर का एक बहुत ज्यादा पोर्शन है एटीन परसेंट ऑफ द पी एस एल टारेट इस टू एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर का एक बहुत ज्यादा यू नो प्रोपोर्शन है इन द इकोमी इंडायर इकोनॉमी, इन जीडीपीआई एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करे। एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर सके अच्छे से कौन कौन सी एलिजिबिलिटी एलिजिबिल हैं जहाँ पे बैंक यू नो अपने पी एस एल गाइडलाइंस के अंदर अपने पीएसएल टारगेट के अंदर तो हर बैंक को कुछ टारगेट दिया गया है देर इज अ टारगेट अब वो टारगेट क्या है we'll दिस इज पी एस एल टारिस इज वेरी बेसिक जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको सेक्टर्स एग्रीकल्चर हाउसिंग एजुकेशन एमएसएमई में लेनी okay, uh, होती है मैंडेटरीली फॉर बैंक अब वॉट आर दीज एलिजिबल एंटिटी अंडर एग्रीकल्चर तो इंडिविजुअल फार्मर्स को फार्मर ग्रुप्स को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को को अगर बैंक लेंड करता है दिस विल बी कैलकुलेटेड एज लोन्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दिस क्वालिफाई पी एस एल लेंडिंग टारगेट ऑफ बैंक उसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर्ड है एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज जैसे बी कीपिंग ओके पोल्ट्री सेल्चर फिशरीज डेयरी दीज आर ऑल द अलाइड अंडर एग्रीकल्चर अब इसमें क्या क्या स्कोप आते हैं क्रॉप लोन आर कवर्ड अंडर पी एस एल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन फॉर परचेज ऑफ लैंड एग्रीकल्चर मशीनरी इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यह इन सब का स्कोप आता है दीज आर कवर्ड अंडर पी एस एल टारगेट टू एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑल दीज लोन्स आर कवर्ड अगर क्रॉप लोन्स दे रहा है बैंक

फार्मर्स वॉट दे डू इज वेयर हाउस में दे कैन कीप दे प्रोड्यूस इन साइंटिफिक मैनर इन गोडाउन दॉ वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग एक्ट टू थाउजेंड सेवन के अंदर ये अप्रूव uh, हुआ था दिस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन वेयर हाउसिंग एक्ट टू थाउजेंड सेवन जिसमें साइंटिफिक वे में फार्मर्स कैन कीप दे प्रोड्यूस अब जो डॉक्यूमेंट्स है ऑफ दिस वेयर हाउस दीज आर कॉल्ड नेगोशियेबल वेयर हाउसिंग रिसीट

ठीक है अब इसके अलावा स्टार्टअप्स में लोन्स अगर स्टार्टअप्स को दिए गए हैं दो स्टार्टअप्स विच आर वर्किंग टूवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर अप टू 500 करोड़ का अगर लोन है दिस विल बी अंडर द पी एस अलावा फूड प्रोसेसिंग में है अप टू 100 करोड़ का लोन विल बी अंडर दी एस लोन्स अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर तो स्टार्टअप्स को भी लोन दे सकता है के को भी नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट और अदर जो इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने पढ़ ली अब कौन कौन से बैंक्स के लिए कितना कितना टारगेट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सबको पता ही होगा पुरानी चीजें हैं नथिंग न्यू इन दिस बट हम सिर्फ रिकेप्चुलेट कर रहे हैं अगर डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन आ जाता है वॉट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या uh, ऐसे में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपको सो इफ अ क्वेश्चन कम्स और इवन अम्प्रेंशन कम्स जिसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना है तो आपको पता होना चाहिए वॉट आर ऑल दीज इनफैक्ट इसका अगर क्वेश्चन आ, आ गया इट इज वेरी इजी टू राइट द आंसर बिकॉज सबसे पहले तो ये बहुत ईजी है एंड सेकंडली ये याद करना डेटा भी बहुत ईजी है सो टू रिमेंबर दिस डेटा इट इज ऑल्सो ईजी ओके सो so, डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही फेज वन फेज टू इंटरव्यू ऑल्सो दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई होप आप सब लोगों ने ये पढ़ा होगा पहले से ही इफ्टॉट जस्ट रिवाइजिंग इट नाउ तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का टारगेट है फोर्टी परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज फोर्टी परसेंट अब इसमें रीजनल रूरल बैंक नहीं आते वाई बिकॉज दीज आर बैंक वर्किंग अंडर द रूरल सेक्टर ओके अंडर द इन रूरल एरियाज

ओके okay, अब क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है व्हाट इफ अ बैंक इज टू अपने लिए फोर्टी परसेंट अंदर भी जो कैटेगरीज है फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर एटीन परसेंट है तो so, अगर इफ अ बैंक इजल्ड टू यू नो अचीव दिस टारगेट दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट देन वॉट विल द ऑप्शन अवेलेबल फॉर बैंक्स टू अचीव दीज टारगेट इन केस दे आरबल फॉर इन पर्टिकुलर तो तब वो क्या कर सकते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्टी से जो शॉर्टफॉल अमाउंट है उसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं ओके सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या है वॉट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सो फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है बैंक ए

आप ट्रांसफर कर सकते हैं दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज मैनेज बाय नबार्ड दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज मैनेज बाय नबार्ड अब हम यहां में बात कर रहे हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तो दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन दिस बजट ऑन द लाइंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात हुई है जिसमें इनिशियल कॉर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इज वन टेन थाउजेंड करोर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिस फंड वर्क टूवर्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो स्टेट इस फंड से पैसा उठा सकती है लोन उठा सकती है टू वर्क टूवर्ड्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सैनिटेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन में सो अर्बन एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज हो सकता है माउंट दैट कैन बी पिकअप फ्रॉम दिस फंड एंड गीब्यूशन इनिशियो दिस फंडजेंड करोड दिस इज द न्यूज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन एक एक एक्सपेक्टेड एक 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 है आ सकता है फाइनेंस में ईएसआई में दोनों में आ सकता है सो so ऑलरेडी एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था बी ऑन द लाइंस ऑफ दिस बाय मैनेज उसके अलावा एक सिडबी का भी फंड है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड इज एक्स्ट्रा जो शॉर्टफॉल का अमाउंट है यू कैन ट्रांसफर टू दिस फंड अब जो एक्स्ट्रा शॉर्टफॉल का अमाउंट है उसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा बिकॉज है बट इफ देबल टू अचीव में ट्रांसफर कर रहे हैं दिस विल बी इन लोन एंड का टारगेट अचीव हो जाएगा जो भी शॉर्टफॉल है इफ दे पे शॉर्टफॉल टू दीज फंडी परसेंट विलीव अब उस टारगेट पे उस अमाउंट पे रिसीव इंटरेस्ट रेट दिस इंटरेस्ट रेट विल बी डिसिक्स बाय RBI ओके सो अब नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हमने टारगेट्स पर लिए पीएसएलसी हमने पूरा समझ लिया अब पीएसएलसी में क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स में सो बैंक लोन अपना नहीं ट्रांसफर करते हैं बैंक डू नॉट गिव द लोन दूसरे बैंक को ओनली सर्टिफिकेट इज ट्रांसफरड एंड द बैंक गिव्स इंटरेस्ट टू दैट बैंक लेट्स सपोज बैंक ए है बैंक ए ने एक्स्ट्रा लोन दिया हुआ था बैंक बी वॉज इन शॉर्ट सो बैंक नहीं होगा सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा ओके okay, अब इसमें भी कुछ टाइप्स है पी एस एल सी जनरल फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर माइक्रो एंटरप्राइजेस सर्टिन सेक्टर्स के लिए अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं ओके okay.

टारगेट पूरा हो जाएगा अंडर दिस एंड जो बहुत ज्यादा प्रेशर है वो खाली बैंक नहीं आएगा ऑफ वन पर्टिकुलर लोन एक्सपोजर ऑफ वन पर्टिकुलर लोन इज नॉट एंटायरली ऑन बैंकोजर इज डिवाइडेड बिटवीन अंक एंड एन एनबीएफसीजन ऑफ लोन ओके to provide loans to various sectors wherein they decide to share the इन amount and associated risk in a pre-decided manner ओके okay. अब है दूसरा रीजनल डिस्पैरिटीज होती हैं अगर एक सेक्टर में ज्यादा लोन जा रहा है एंड अदर सेक्टर इज नॉट गेटिंग टू लोन फॉर एग्जाम्पल एक एरिया में इफ देर इज एन एरिया वेर क्रेडिट पेनिट्रेशन इज लो फ्लो ज्यादा हो उस एरिया में दैट पर्टिकुलर एरिया टू इंक्रीज

Banks will be incentivized. Banks will be more attracted to give loans to those areas only. That is why this weightage is given by RBI. So Taki credit flow is to those sectors where credit flow is currently low. The credit penetration there is currently low. Okay. Apart from that, enhancement of loan limit against negotiable warehousing receipt This was done last year. It is 50 lakhs. Is

ओके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं टू माइक्रो फाइनेंस ये फाइनेंसूटिंग क्या है वो समझते हैं बट दिस की स्मॉल फाइनेंस बैंक आर ऑल्सो अलाउड इसके अलावा शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर ऑल्सो अलाउड टू ऑनलाइन टू एम एफ आई और टू अदर एनडीए स इंस्टीट्यूट इनिशन दीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूटर गिव टू एनी प्रायोरिटी सेक्टर तो अगर दिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट इज गिविंग लोन टू अ प्राइरिटी सेक्टर एंड इसके लिए

के सो लेट स्टडी अबाउट यू आई डी एफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वॉट इज दिस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है दिस बजट में इट वॉज अनाउंस एंडियल कॉर्पज लाइक आई सेट टेन थाउजेंड करोड़ का था दिस विल वर्क टूवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर टू टू टीयर थ्री सिटीज टीयर टू सिटीज में कौन सी वो आएंगे जिनकी पॉपुलेशन फिफ्टी थाउजेंड टू वन लाख है and tier 3 cities may 20,000 to 50,000 okay so this is the population criteria for tier 2 and tier 2 tier, tier 3 cities and the infrastructure fund fund will be utilized by the states towards infrastructure that is going to be built in these two areas these cities okay ज शॉर्टफॉल इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट दे कैन यू नो ट्रांसफर दैट एक्स्ट्रा दैट अमाउंट इन दिस फंड एंड दिस फंड फर्दर गिव लोन्स टू स्टेट्स एंड जो भी इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा दैट विल बी डिस

ठीक है, टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज हमने समझ ली टीयर टू में आती है पॉपुलेशन टूटी थ्री सिटीज वॉट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है दे आर मैनेज बाय सबसे पहले बना था ये नाइनटीन 96 नाइनटी सिक्स में टू थाउजेंड करोड़ का इनिशियल कॉर्पस था

And this was to be done years, और दो इेसियड था okay, ये हमने का अच्छे से समझ दिया है ऑब्जेक्टिव में आए आई होप यूल टू आंसर दिस वे ओके द सेकेंड न्यूज टूडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्योंकि है, तो हम समझ लेते हैं वेरी लेन योर एग्जाम अब सेबी जो है अभी तक बी थर्टी इंसेंटिव देती थी, थी।

एनसीआबी के साथ मिलकर बहुत सारे रेगुलेटर्स के साथ मिलकर दे वर्क टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया इट इज नथिंग बट एन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड हाउस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ठीक है सो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया अब इसके अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्टर्स तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं इट इज नथिंग बट अ पूल्ड मनी आई होप सबको पता ही होगा बहुत हम डिस्कस करते हैं तो यूनिट होल्डर्स जो होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वी कॉल देम एज यूनिट होल्डर्स व्हाई बिकॉज इस मनी में इस म्यूचुअल फंड में दे होल्ड यूनिट म्यूचुअल फंड को पूल्ड मनी को यूनिट्स में कन्वर्ट करा जाता है वेयर इन यू म्यूचुअल फंड और पुल्ड मनी विल बी इन्वेस्टेड इन एनी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जहां से रिटर्न आएगा एंड दिस रिटर्न विल बी गिवन टू द इन्वेस्टर्स और द यूनिट होल्डर्स

टी कैटेगरी ये इनिशियली जो बी थर्टी इंसेंटिव का था अमाउंट दिस वॉज इंट्रोड्यूस इन टू थाउजेंड एटीन बूस्ट पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन स्मॉलर सिटीज ओके तो सेबी जो था पहले ये वन टाइम फी मिलती थी डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसको हम कहते थे बी थर्टी इंसेंटिव बी थर्टी इंसेंटिव तो न्यू इन्वेस्टर्स को लाने के लिए ये मिलती थी. अब जो है सेबींगी थर्टी इंसेंटिव दिस बी थर्टी इंसेंटिवी स्क्रैप एंड इसकी जगह एक फी चार्ज करेंगे दिस वन टाइम फी विल बी चार्ज फ्रॉम यूनिट होल्डर्स

जो कि इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द द टोटल एक्सपेंस दैट इज़ ओनली यूनिट होल्डर्स विल पे ठीक है अगर वो टोटल एक्सपेंस रेशो टोटल फंड फॉर मैनेजिंग और होल्डिंग फॉर एक्साम्पल ऑडिट फी फॉर एक्साम्पल ट्रांसफर फी ट्रेडिंग फी ऐसी कोई एक्स्ट्रा फी अगर पे कर रहा है पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशो ओके ओके okay, अब इसके बाद जो है फंड हाउसेस को ज्यादा अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा जो कि इनिशियली उन्हें बी थर्टी इन्वेस्टमेंट में करता इंसेंटिव में करना पड़ता था बी थर्टी इंसेंटिव में हर साल उनको इंसेंटिव देना पड़ता था दिस विल बी वन टाइम फी फॉर अ म्यूचुअल फंड ओके नाउ इज अल फिस बिगेज बी थर्टी इंसेंटिव था दिस वॉज मिस यूज द म्यूचुअल फंड दैट इज वाई दिस ओके अभी तक ये एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है सेबी इज ओनली थिंकिंग टू इंप्लीमेंट दिस बी थर्टी इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव कैसे मिस यूज होता था सो बी थर्टी इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव बी थर्टी इंसेंटिव जो है दिस वॉज गिवन फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में देने पड़ते थे सो सपोज यूनिट होल्डर्स हैं दिस बी थर्टी इंसेंटिव इज गिवन टू द म्यूचुअल फंड इज रिसीव बाय द म्यूचुअल फंड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड हाउसेस ठीक है एंड वे यूज टू डू इट दूचुअल फंड यूज टू डू इन मिल रहे हैं द फर्स्ट इफ इन्वेस्टमेंट दे यूज टू आसिट होल्डर्स टू कन्वर्ट दूनिट एंड ट्रांसफर दर मनी ट्रांसफर द अमाउंट इन टू अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट तो अब अगर वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए वो इनिशियल मनी हो जाएगा एंड उसमें दोबारा भी थर्टी इंसेंटिव लेने के लिए म्यूचुअल फंड एलिजिबल हो जाएगा डू इट they tell the unit holders to transfer their money next year to another mutual fund scheme therefore that amount will become a fresh investment for that particular mutual fund scheme and thus they will be eligible to receiving b30 incentive again the very next year okay so shifting investors money from one fund to another every year to continue receiving the incentive that was happening by the distributors that is why it was decided to चार्ज होगी विच विल बी अ पार्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंस रेशियो विच विल बी लिव आइड ऑन द यूनिट होल्डर यह होगा अब सो so, फाइनली हमने समझ लिया बी थर्टी क्या होता है टी थर्टी क्या होता है एंड द बी थर्टी इंसेंटिव इस गोइंग टू बी स्क्रैप्टी ठीक है

That any entity to receive money, it was supposed to be created a channel wherein investment can be, you know, investment can be introduced, investment can be gained from investors towards project social impact projects, social impact projects. So, any entity which is working towards social impact projects. कोई भी ऐसी एंटिटी है जो कि इन्वेस्टमेंट रिसीव करना चाहती है डोनेशन रिसीव करना चाहती है इन्वेस्टर्स से सो नाउ इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट थ्रू दिस तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे एंटिटीज जो है दे कैन कम एंड ऑप्टेन मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स दिस मनी विल बी यूटिलाइज टूवर्ड सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट

अब ये सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आएगा एनी प्रोजेक्ट दैट इज वर्किंग सो सेबी ने ऑलरेडी एक लिस्ट निकाली लि थी एनी प्रोजेक्ट दैट इज वर्किंग द एनवायरमेंट दैट इज वर्किंग टूवर्स मरीन सेक्टर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे किसी सोशल इंपैक्ट के इफ दिस मनी इज गोइंग टू बी बॉन्ट्रीब्यूटेड दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट एंड एंटिटीज कैन नाउ गेन मनी फ्रॉम दैट तो एन एस सी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद बी एस ई दिस

Now, how they can raise fund? How these entities can raise fund on these social stock exchanges? They can raise fund through ZC Zero coupon zero principal bond, zero coupon zero principles instruments. The coupon is zero, which means uh, the, any money will interest will not be paid. No interest will be paid on the money that is raised through these instruments. Ab,

so you will not get any money on these instruments it is only a donation okay so sebi uh, so the approval means that the boards that is the nsc the nsc can now launch the new platform and sign up relevant entities for listing

This brings us to the end of today's session. Today, we have important hai UIDF and social stock exchanges. This is our app. If you haven't already downloaded you can. Okay. The first question today is: Which of the following does not fall under the PSL norm as per RBI? Which of the following kind of loans? Which of the following loans does not form part of PSL under as per RBI?

हम कुछ चीजें एडजस्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल रीडिस्काउंटेड बिल्स आर एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट मेड टूवर्ड्स एस एल आर इंस्ट्रूमेंट अगर बैंक कोई इन्वेस्टमेंट करता है टूवर्ड्स एस एल आर इंस्ट्रूमेंट या फिर अपने बिल्स को रीडिस्काउंट कराता है उनकी एडजस्टमेंट होती है

Which of the following is correct about the limit of PSL target for various banks? Scheduled commercial banks 40%, foreign banks with less than 20 branches 40%, RRBs and small finance banks not 25%, it is 75%. So 1 and 2 are correct. Priority sector means those sectors which, for which the Government of India and RBI consider as important for the development of basic needs of the country and are to be given priority over other sectors.

in october 2022 bsc was given approval in october 2022 to set up social stock exchange so not only nsc but also bsc has been given under ssc entities can issue preference shares and debentures no they can issue zero coupon zero security zero principal bonds zero coupon zero principal instruments issue it is aimed at attracting donations this is correct this was the last question for today yes this was the last question for today i hope you enjoyed the session Thank you so much.